हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है उड़ीसा का ओपीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर हैंडीक्राफ्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर हैंडीक्राफ्ट का ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 4th जून 2023 को। तो ये पूरा पेपर है, इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस के सारे आंसर्स को हम यहाँ पर करेंगे। कोशिश करूँगा कि सिंगल पार्ट में कर लूँ, बट इफ़ इन केस कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको ये पूरा वीडियो दो पार्ट्स में कवर अप करा के देता हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर हैंडीक्राफ्ट की एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द यूडीएचआर डिक्लेयर नो वन कैन टेक अवे योर ह्यूमन राइट। ये चीज़ लिखी गई है आर्टिकल नंबर 30 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है सामने, उसे भी देखते हैं। Who is called father of human rights in India? That is Justice Bhagwati. Option number A यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कम्बाला इज एन एनुअल बफेलो रेस ऑर्गेनाइज इन द कर्नाटका स्टेट। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ कंट्रीज विच अडॉप्टेड अनएमियसली इन द UN जनरल असेंबली फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर द चाइल्ड इन द ईयर 1959। दैट इज यहाँ पर रहेगा 78 कंट्रीज ने, यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया दैट इज इन अरावली रेंज। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHRC इन इंडिया। तो यहाँ पर फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा वो कौन सी है, पट्टा चित्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज़ द MNST इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल टू डिनोट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है दैट इज़ सरहोल। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विच कंट्री इकेबाना इज़ द आर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो ये आपका रिलेटेड है बेसिकली विद द जापान के साथ में। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच क्राफ्ट इज़ फेमस इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, सो लैक्वर। ऑप्शन नंबर सी होगा 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, विच रिवर डज नॉट फ्लो फॉल अंडर द हेक्सा डेल्टिक रीजन ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पर जो 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है मालगुड़ी, मालगुड़ी डेज या मालगुड़ी रिवर। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न सैंड आर्ट इन उड़ीसा ये कहा जाता है, 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री आर्ट फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू उड़ीसा स्टेट, कौन सी बिलोंग नहीं करती। दैट इज़ यहाँ पर जो 12th क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गोम बेट्टा। ऑप्शन नंबर डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं करता है, वो मयूरभंज, ये आपका झारखंड के साथ मैच करता है, ठीक है। मुजुरू पेंटिंग इन उड़ीसा इज ऑल्सो नोन एज अ रंगोली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। इन विच कंट्री सारंग एन इंडियन फिल्म फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उड़ीसा स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक रीजन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द ऑथर ऑफ सॉन्ग राधा
मिल्क मेड, इसके ऑथर कौन है? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट ऑथर्ड बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए नॉट ऑथर्ड पूछा गया है, बट यहाँ पर बाकी सिर्फ यहाँ पर जो ऑथर्ड है, मेरे ख्याल से यहाँ पर नॉट ऑथर्ड नहीं होना चाहिए, ऑथर्ड होना चाहिए। तो ऑथर्ड में तो आंसर आपका आएगा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बाकी भगवद गीता और महात्मा गांधी और न्यू एरा ऑफ रिलीजन, ये सारे अलग अलग राइटर्स से संबंधित हैं, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए, यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। द विनर ऑफ द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन उड़िया लैंग्वेज वॉज। सो 21 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गोपीनाथ मोहंती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, इन विच प्लेस सलाइवरी ग्रैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपको देखने को मिलता है माउथ के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव लेंथ इज मेजर्ड बाई मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग्स द डिफरेंट होस्ट SMTP। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दी ऑथर ऑफ नोवल घर दीहा इन उड़िया लिटरेचर, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नित्यानंद महापात्रा। ऑप्शन नंबर ए। सलमान रशिदी वॉन्स द बुकर्स अवार्ड इन 1993 फॉर मिडनाइट चिल्ड्रेन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग बेस डिवाइस आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 24 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज मेनली इन हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है। डाटा एंटर्ड इन टू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ स्टोरेज। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड द लैंड टेन्यू सिस्टम इन उड़ीसा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो 31 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम बात करें 31 में, महलवारी सिस्टम जो है वो उड़ीसा के अंदर 1822 में इंट्रोड्यूस होता है, ये करेक्ट है। रायतवाड़ी सिस्टम जो है ये 1820 के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, ये भी करेक्ट है। और ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो मतलब 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 पर आते हैं। तो 32 की बात करें तो यहाँ पर और देख लेते हैं क्या पॉइंट दिया हुआ है 32 में। ओके, तो देखिए 32 की हम बात करें तो ये आपका, इसमें जो करेक्ट पॉइंट होगा ये द स्ट्रगल टू ब्रेक द सॉल्ट सत्याग्रह इन उड़ीसा वॉज इंस्पायर्ड बाय द खेड़ा सत्याग्रह, ये पॉइंट आपका करेक्ट है। और इसके साथ में हम बात करें सेकंड पॉइंट करेक्ट है, और यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका करेक्ट है, सॉल्ट सत्याग्रह इन उड़ीसा स्टार्टेड फ्रॉम द इंडूजी। तो मतलब सेकंड और थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं। तो विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस, दैट इज़ यहाँ पर रहेगा लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मूवमेंट ऑफ कनिका, कनिका मूवमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर हम बात करें तो कनिका मूवमेंट के बारे में, तो एक सेकंड से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें सारे ऑप्शंस दिखें। ओके ओके, कनिका मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। तो कनिका मूवमेंट जो है 1992 में स्टार्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। और हाँ जी, पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही है, और इसके साथ में जो पॉइंट सही है वो है चक्रधर बेहरा वॉज द लीडर ऑफ कनिका मूवमेंट, ऑप्शन थ्री। तो 1 एंड 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 में आपका महानदी रिवर जो उड़ीसा के अंदर है उससे संबंधित स्टेटमेंट से,
उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए, ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट गलत है, कैचमेंट तेलंगाना में है ये भी गलत है, इट्स बेसिन बाउंडेड बाय द सेंट्रल हिल ऑन द नॉर्थ ये करेक्ट है आपका, सोर्स आपका शिवाना जो रायपुर छत्तीसगढ़ के पास है ये भी करेक्ट है, 3-4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की। सो इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है उनके बारे में बात कही गई है, तो यहाँ पर हम बात करें 36 के बारे में, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए 36 में हम बात करें तो यहाँ पर जो 36 क्वेश्चन नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 4 एंड 6। नेम द सर्कुलर विच रिस्टोर द उड़िया लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन संभलपुर इन 1905, दैट इज़ द सर्कुलर कौन सा था यहाँ पर। 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रायसल सर्कुलर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भैतारणी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, यहाँ पर आपको पिक करना है रॉन्ग मैच, ठीक है। तो देखिए रॉन्ग मैच की हम बात करें तो पुर्तगीज़ तो का जो मैच है वो तो करेक्ट है, ठीक है, एंड पुर्तगीज़ के बाद हम यहाँ पर बात करें तो देखिए डेन्स आपके 1605 में नहीं आते ये गलत है, डच 1620 में नहीं आते ये भी गलत है, फ्रेंच तो ठीक है, तो मतलब करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया था, तो सेकंड और थर्ड दैट इज़ ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कूका मूवमेंट से रिलेटेड है, तो कूका मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो कूका मूवमेंट में दिस इज 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कूका मूवमेंट में आप देख सकते हैं कूका मूवमेंट जो है वॉज इम्पॉर्टेंट मूवमेंट फेज ऑफ नामधारी मूवमेंट, एक मिनट इसमें आपसे पूछा गया है, पहले तो ये देख लेते हैं स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओके करेक्ट पूछी गई है ना। तो 40 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है, पहली तो ये है कि नामधारी मूवमेंट से रिलेटेड है, मूवमेंट जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था इन पंजाब, ठीक है, एंड स्टेट में नहीं था ये, और ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी नहीं था, तो मतलब 1 एंड 2 है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर करेक्ट की, तो दैट इज़ ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है रिलेटेड टू द 9th अगस्त, 9 अगस्त जो है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, और क्या दिया गया है यहाँ पर, एक चौथा पॉइंट ये दिया गया है, ठीक है। तो 41 की हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसको आप पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर डे इज सेलिब्रेटेड एज अगस्त क्रांति, ये करेक्ट पॉइंट है आपका। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इज़ ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट, ये भी करेक्ट है। तो अगस्त मूवमेंट जो है वो INC के कलकत्ता सेशन में लॉन्च हुआ था, नहीं ये गलत है आपका। तो ये गलत होने के साथ में 1 एंड 2 सही है, और 3 भी आपका क्या है गलत है। ये डू और डाई का जो स्लोगन है गांधी जी के द्वारा दिया गया वो 8 अगस्त को दिया गया था, ना कि 9 अगस्त को। तो 1, 2 सही है, दैट इज़ ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, 42 के बात करते हैं, इसमें आपको बताना है नॉट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो नॉट करेक्ट बन रहा है वो है आपका अफगानिस्तान कनेक्ट सेंट्रल एशिया, सॉरी एशियन रीजन टू द सेंट्रल एशियन रीजन, तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, बाकी तो करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर हम डेजर्ट्स और उनके एरियाज़ या किन देशों में है ये, तो आपको रॉन्ग बताना है। तो गुबन डेजर्ट आपका सोमालिया के अंदर है, ये करेक्ट है आपका। एंड इसके बाद हम बात करें कटपाना डेजर्ट आपका सेंट्रल ईरान में है, खरार डेजर्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है ये गलत है, लूप डेजर्ट पोलैंड में नहीं है ये भी गलत है, 3, 4 करेक्ट होगा यहाँ पर, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन। 44 पर आते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स मैंशनड आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू बैफिन आइलैंड, सो बैफिन आइलैंड से संबंधित है। तो यहाँ पर हम बात करें तो नॉट करेक्ट पूछा गया है ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, नहीं ये गलत है, स्मॉलेस्ट आइलैंड है अफ्रीका, भाई अफ्रीका में नहीं है तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की तो बात ही नहीं है, 5th लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का ये करेक्ट है,
और ये लैंग्वेज बोली जाती है, ये भी करेक्ट है। तो 3-4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर, एक मिनट, पूछा गया था नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो नॉट करेक्ट में तो ऑप्शन 1 एंड 2 आएगा, 1 एंड 2 दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। एडम्स ब्रिज कहा जाता है राम सेतु को, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड हाइड्रो मतलब वाटर होता है, एंड बायो मतलब लिविंग, एटमोसफेयर मतलब ये हो गया, लिथो मतलब सॉलिड लैंड हो गया, तो इसको जब आप मैच करोगे 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेसो अमेरिकन रीफ टचेज द कोस्ट ऑफ 4 कंट्रीज, वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर हम बात करें, वो कंट्रीज़ हैं आपकी हुंड्रूस एंड बेल्जी, बेल्जी के साथ है इस्लेवेडर, एंड साथ में आपका रहेगा यहाँ पर मैक्सिको। तो 1, 3, 4 और 6, 1, 3, 4, 6 कहाँ पर है? 1, 3, 4 एंड 6 ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अर्थ ऑर्बिट दैट इज नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड एज द दैट इज फेरिलियन, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द ग्रेट ओशियन रोड। तो नॉट करेक्ट, ये ग्रीन ओशियन रोड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है ना कि श्रीलंका में है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट ही गलत हो जाता है यहाँ पर आपका। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रोटेट्स क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मूव करने वाला प्लैनेट है आपका, प्लैनेट है आपका वीनस, ऑप्शन ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो 51 में हम बात करेंगे डॉक्टर विंड आर हॉट एंड ड्राई विंड्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर 52 की तरफ। तो 52 में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अटलांटिक ओशन। तो 52 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिस इज वी शेप्ड एंड वाइडर इन लेंथ, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। डैश चैनल सेपरेट, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिड फार्मिंग का मतलब होता है, पूछा गया है फार्मिंग इन द रेनिंग सीजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेम द स्टेट इन विच मिशमी हिल्स लोकेटेड, मिशमी हिल्स आपका कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, 54 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप द कच्छ थीवा आइलैंड वॉज सीडेड टू श्रीलंका अंडर इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। तो इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी जी। हाईएस्ट पीक नीलगिरी माउंटेन्स की कौन सी है? वो है आपकी दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। शिपकीला लेक से आपको रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इट इज़ अ माउंटेन पास है, ये ठीक है आपका आगे, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं 1 एंड 2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 55 का, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे, 58 हो चुका है, 59 नंबर क्वेश्चन पे। सो इसमें पूछा गया है आपसे अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ऑन अर्थ विच रिवर फ्लोज डायरेक्शन इन नॉर्थ दैट इज़ द नाइल रिवर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पिक अप द रॉन्ग मैच इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट, निसी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम में बोली जाती है ना कि नागालैंड के अंदर, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड फिर यहाँ पर हम 64 को देखते हैं। तो द ईयर इन विच नेम ऑफ उड़ीसा टू उड़ीसा, ये नाम जो चेंज हुआ ये कब हुआ था? 2011 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ उड़ीसा, देखिए ये लगभग 450 किलोमीटर की है, बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली स्किप करना बेटर समझूंगा। विच ट्रॉपिक पासिस थ्रू इंडिया डिवाइड द कंट्री रफली इन इक्वल पार्ट्स दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मे बी लिंक्ड विद द जुडिशियल एक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। तो 62 में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर कौन सी लोकेटेड नहीं है? तो 62 में हम बात करें टूरी कोंडा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। द स्टेट ऑफ उड़ीसा इज कंपेरेबल टू विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए
टूनिशिया मेरे ख्याल से। ऑप्शन डी यहाँ पर होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द ईयर ऑफ, एक साल के लिए इसे एक्सटेंड किया जाता है बट इसे मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लिखा गया है आर्टिकल 169 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच सेक्टर ऑफ 72 नंबर क्वेश्चन, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज द सर्विस सेक्टर या फिर आप बेसिकली उसे कहते हैं हम टर्शरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सोल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच विंग ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द जुडिशरी, जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पॉवर्टी लाइन जो है वो मेजर की जाती है बेस्ड ऑन द कैलोरी कंजप्शन, कैलोरिक कंजप्शन, कितनी कैलोरी कंज्यूम की गई है। ठीक है, उसके ऊपर ये चीज़ें बेस्ड रहती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 को कर लेते हैं, है ना। तो देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो 1955 है वो अभी तक कितनी बार अमेंट हुआ है। सो फार 5 बार अमेंट हुआ, बेसिकली अगर जो हम बात करें तो ये आपका 6 बार अमेंट हो चुका है बट छठवां यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए ये 1986 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ है, ये हुआ है 15 और 19 में, और इसके साथ में आपका एक साल हुआ था, एक सेकेंड, ये हुआ था 71 है ना, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका सी। ठीक है, ओके, तो ये था आपका 2, 4, 5, ओके 2, 4, 5, ओके हाँ 2003 में भी हुआ था। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे 2, 3, ठीक है, 5 में 19 में और ये, ठीक है, इस तरीके से ये अमेंड हुआ था। चलिए फिर हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, कब कब क्या चीज़ें रही हैं यहाँ पर। तो कन्वेंशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनेस्को ऑन 2 फरवरी 1971, ये चीज़ आपकी करेक्ट है। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, ये भी करेक्ट है। इसका नेम आफ्टर साउथ अफ्रीका बना, ये ऐसा गलत है ये चीज़ें। और इसके अंदर 49 भारत के अंदर है, नहीं ऐसा नहीं है, 75 के अराउंड हो चुकी है रामसर साइट हमारे देश में। तो 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को 75 को स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 78 पर आते हैं, करेक्ट बताना है आपको पोर्ट्स इन इंडिया से रिलेटेड। देखिए भारत के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 180 से ज़्यादा, मतलब लगभग आज की डेट में हम 205 या 208 के अराउंड जो माइनर सी पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट पूछा है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जमुना रिवर, भारत की कौन सी रिवर है जो बांग्लादेश में जमुना बनती है, वो है गंगा रिवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एवरी ईयर, ये आपका रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियाज क्लीन एयर सबमिट वॉज हेल्ड इन बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबमिट इंडिया प्रोमिसज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड वाटर बाय द ईयर 2030, ये आपका था वन प्लानट सबमिट 2021 पेरिस के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एलपीजी के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन मेनली होते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 82 की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नोन एज अ लाफिंग गैस, दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड रहता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा रॉन्ग मैच है। देखिए येलो रिवॉल्यूशन जो है वो इडिबल ऑयल के लिए होता है ना कि एग के लिए, तो रॉन्ग आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात करें तो 84 में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू गेट एल रूट सर्वर। एल रूट सर्वर जो है वो सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए कहाँ शुरू किया गया है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, 85 के बारे में बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड है, तो 85 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 4 स्टेटमेंट जो है मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। 86 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए 86 में ना दो चीज़ें एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़ कर रही थी। एक तो ये तो करेक्ट है आपका कि 73rd अमेंडमेंट के तहत जो है 1/3 सीट जो है वो पंचायत के अंदर वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। देखिए रिजर्वेशन के लिए 108 नंबर का अमेंडमेंट भी रहता है, बट आई थिंक दिस वन इज़ करेक्ट। बट इसके साथ में यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है शेड्यूल्स और आर्टिकल्स। ठीक है, तो बाकी तो ठीक है, यहाँ पर जो रॉन्ग पूछा गया है, रॉन्गली मैच आपसे पूछा है, तो 10th शेड्यूल जो है वो 102 और 191 शेड्यूल के साथ नहीं रहता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 87 का करेक्ट आंसर होगा। 91 की बात करते हैं तो इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेशनल कोरोना वैक्सीन जिसे DGCA के द्वारा अप्रूव किया गया था, DCGI। ठीक है, तो ये थी भारत बायोटेक की, ऑप्शन नंबर सी। टू विच स्टेट ऑफ इंडिया आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ स्पेशल प्रोविजन, ये आपका प्रोविजन बात करता है नागालैंड के बारे में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा फाइनेंस कमीशन जो है, हम बात कर रहे हैं 88 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा वो फाइनेंस कमीशन है जो रिकमेंड करता है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जो लाइव करेंगी लैंड वैकेंट को। ठीक है, वैकेंट लैंड टैक्स को। ठीक है, तो ये बात कर रहा है 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर ऑफ ब्लू स्काइज 2022 इज रिलेटेड विद द, ये रहेगा आपका द एयर वी शेयर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 893 की, द नेम ऑफ द जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग एनवायरमेंटल केसेस इन द कंट्री, दैट इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया हैज नॉट जॉइंड इन Under-20 क्वालिशन टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, ये कौन सा स्टेट ज्वाइन नहीं करता है, ये तमिलनाडु ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। एज पर द स्टेट बजट ऑफ उड़ीसा द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है फॉर द ईयर 2022-23-24 इज प्रोजेक्टेड अराउंड, दिस इज अराउंड 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 8.6 लाख करोड़, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं पहले, तो देखिए 95 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है महारी इज़ वन ऑफ द डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, ये करेक्ट है, ये टेंपल्स में होती है, ये भी करेक्ट है, इसे देवदासी वर्ल्ड डांसिंग जो रहता है ये भी करेक्ट है, तो 1, 2, 3 करेक्ट है, दैट मीन्स 1, 2, 3 करेक्ट है, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है इन द एनुअल बजट ऑफ फॉर उड़ीसा द टोटल बजट एलोकेशन फॉर हेल्थ सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23-24 ये कितना है, हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट रखा गया है ये लगभग 15.9 समथिंग करोड़ के आसपास है, ये अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ के आसपास बनता है। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इन द वर्ल्ड इज द साइरस सर्कल, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज अडॉप्टेड बाय द UNO ऑन द, डेट पूछी गई है 99 का करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर 1948। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज मेनली रिलीज बाय द CSO, बेसिकली CSO किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया केम इन टू फोर्स, ये कब होता है, 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, सो दिस इज द पेपर रिलेटेड टू द उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर हैंडीक्राफ्ट
फॉर हैंडी क्राफ्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 4th of June को, तो जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्वेश्चन पेपर के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।